दोस्तों ये जो हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस ट्विन टावर को 3 महीने के अंदर तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इन दोनों बिल्डिंग्स में 40-40 फ्लोर हैं और दोनों में लगभग 1000 फ्लैट बन रहे हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्यों इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। दोस्तों ये है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में बन रहा ट्विन टावर, यानी कि टावर 16 और टावर 17। ये नोएडा के सेक्टर 93 में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बना है। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के मिली भगत से ये ट्विन टावर बनाया गया है और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 3 महीने के अंदर दोनों बिल्डिंग को तोड़ा जाए और जिन लोगों ने इसमें फ्लैट खरीदे हैं उन्हें 12% इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस किए जाएं। साथ ही RWA को 2 करोड़ रुपए दिए जाएं हैरेसमेंट के लिए। इसके अलावा इस बिल्डिंग की तोड़फोड़ में लगने वाला खर्च भी सुपरटेक को ही देना होगा। CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में इस बिल्डिंग को तोड़कर गिराया जाए और अगर CBRI इसके लिए कैपेबल नहीं है तो नोएडा अथॉरिटी किसी और एजेंसी को इसके तोड़ने का काम देगी। साथ ही इन टावर्स को तोड़ते वक्त दूसरे बिल्डिंग्स को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये मामला काफ़ी पुराना है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में पहले से ही 15 टावर्स बने हैं जिसमें काफ़ी पहले से ही लोग रह रहे हैं, लेकिन इसी कैंपस में 2 हाई राइज बिल्डिंग और बनाया जा रहा था बिल्डर के द्वारा, जिसके अगेंस्ट एमराल्ड कोर्ट के RWA कोर्ट पहुंच गए और 2014 में ही अलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेम फैसला सुनाया था कि इस दोनों टावर को तोड़ दिया जाए और होम बायर्स को इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न किए जाएं। अलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट बिल्डर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और नोएडा अथॉरिटी को भी इसके लिए फटकार लगाया। इस बारे में सुपरटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित अरोड़ा जी ने कहा है कि वे इस मामले में अब रिव्यू पिटीशन देंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए आगे क्या होता है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना।